पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अभी से ही बंगाल का चुनावी पारा बढ़ गया है। बीजेपी पूरे जोर शोर से मैदान में उतर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर अमित शाह बंगाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने टीएमसी को निशाने पर लिया। शाह ने पहले गंगा सागर की यात्रा की, इसके बाद वो दक्षिण 24 परगना पहुंचे। वहां उन्होंने रैली में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल को सुनार बांग्ला बनाने की ये बीजेपी की लड़ाई है, ये जंग हमारे बूथ वर्कर्स और टीएमसी के सिंडिकेट के बीच है। उन्होंने कहा कि हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार लाई जाए, बल्कि हमारा लक्ष्य पश्चिम बंगाल के हालात को बदलना है। हम राज्य के गरीबों की स्थिति को बदलना चाहते हैं, हम राज्य की महिलाओं के हालात को बदलना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि ये सत्ता में बदलाव नहीं है, ये गंगा सागर के प्रति सम्मान और क्षेत्र के मछुआरों में बदलाव लाने के बारे में है। क्या पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो सकती है जब तक कि ममता बनर्जी की सरकार है? क्या बंगाल प्रगति की राह पर चल सकता है? गृह मंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन रैली मोदी जी का संदेश लेकर आ रही है। मोदी जी कुछ भी भेजते हैं, ये सिंडिकेट वाले बीच में ही ले लेते हैं। आप लोग बताओ, इनको बदलने का काम करोगे या नहीं? उन्होंने कहा कि बंगाल में जंगल के लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, इसलिए ये परिवर्तन यात्रा लाए हैं। किसानों को सही दाम मिले, कोई बिचौलिया ना हो, इसीलिए परिवर्तन कहते हैं। ममता बनर्जी के बहाने शाह ने किसान नेताओं को भी सुनाया। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हुई है, उसमें 130 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए। ममता दीदी सोचती हैं कि किसी को मार देने से बीजेपी रुक जाएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मारा है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। दरअसल बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं के लगातार दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं के भी हौसले बुलंद है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए सत्ता बचाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।